बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों की स्थिति का जायजा लेने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह, मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक दीपक पटेल व जिला समन्वयक निर्माण रमेश चंद्र ने मंगलवार को कुल 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर, अनुपस्थित मिलने पर एक प्रधानाध्यापक, एक शिक्षा मित्र, 4 सहायक अध्यापकों का एक एक दिन का वेतन बाधित करने की संस्तुति की गई। गौरतलब है कि बीएसए द्वारा शासन के द्वारा जारी 5 बिंदुओं पर विद्यालयों की जांच की जा रही है, जिसमें मुख्य बिंदु विद्यालयों की अवस्थापना सुविधा, कंपोजिट ग्रांच की धनराशि से विद्यालय के सुंदरीकरण व अन्य कार्य शामिल हैं। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान बीएसए बीएन सिंह ने नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय झुगिया का निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय के सहायक अध्यापिका अलका अग्रवाल बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गई। उसके बाद बीएसए ने कंपोजिट विद्यालय मानवेला का निरीक्षण किया, जिसमें प्रधानाध्यापक सीमा सिंह व सहायक अध्यापक बिंदु कुमारी जायसवाल बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गई। उसके बाद बीएसए ने विकासखंड चरगावा के कंपोजिट विद्यालय अमवा का निरीक्षण किया, जिसमें सहायक अध्यापिका शशि प्रभा और प्रियंका श्रीवास्तव बिना सूचना के अनुपस्थित पाई गई। इसी के तहत मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक दीपक पटेल और जिला समन्वयक निर्माण रमेश चंद्र द्वारा नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रायगंज का निरीक्षण किया गया, जिसमें सहायक अध्यापिका मंजूषा किरण तिवारी व शिक्षा मित्र रंजना पांडे अनुपस्थित पाई गई। सभी अनुपस्थित शिक्षकों का एक दिन का वेतन बाधित करने के लिए बीएसए ने निर्देशित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा, नगर क्षेत्र के 2 विद्यालय और चरगावा के 1 विद्यालय मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, जिसमें 1 विद्यालय प्रेरक्षियां थी, 5 अध्यापक हमको उपस्थित हुए, जिनका 1 दिन का वेतन रोका गया। और फिर उसी के क्रम में हमारे डीसी, एमडीएम और किसी सिविल भी गए थे, उनके द्वारा भी विद्यालय देखा गया और जो लोग अनुपस्थित थे 1 दिन का वेतन रोका गया। पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि शासक की मंशा के अनुसार स्कूलों पे हम निर्णायक के माध्यम से सारे कार्य हो रहे हैं और बच्चे जैसे ही स्कूल खुले सब एकदम सही स्थिति मिले और कायम तक पर भी काम हो रहा है कंपोजिट ग्रांट के द्वारा। तो उसकी का सत्यापन भी करते कि विद्यालय कार्य हो रहा है, इसके लिए यह प्रक्रिया चलती रहती है।